पोनियन सेल्वन 2 की हुई धमाकेदार ओपनिंग, ऐश्वर्या राय बच्चन की शानदार एक्टिंग को देखकर फैंस ने लुटाया जमकर प्यार। फिल्म के इस धमाकेदार और धांसू शुरुआत से आइए जानते हैं आखिरकार इस फिल्म की कहानी में क्या कुछ है खास और लोगों के क्या आ रहे हैं रिएक्शन। बात की जाए इसकी कहानी की तो ये कहानी है चोल साम्राज्य और उसके अंदर चल रही राजनीति की। पहले पार्ट में किरदारों के इंट्रोडक्शन के साथ दूसरे पार्ट में कहानी आगे बढ़ती है और हर किरदार अपना रंग दिखाता है। किरदार इतने सारे हैं और उनके नाम इतने सारे हैं कि शायद आप अगर चोलों के इतिहास के बारे में इतनी क्लियरली नहीं जानते होंगे तो माइट बी पॉसिबल कि आप सब भी कंफ्यूज हो जाएंगे। वेल, देखी जाए तो वाकई फिल्म काफी ज्यादा शानदार और जानदार है एक्टिंग की वजह से। फिल्म में हर किसी की एक्टिंग वाकई शानदार है। बात की जाए ऐश्वर्या राय की तो ऐश्वर्या राय की एक्टिंग की जमकर हो रही है तारीफें, जिसको लेकर फैंस लुटा रहे हैं बेशुमार प्यार। इस फिल्म में खास तौर पर ऐश्वर्या राय की एक्टिंग को फैंस बेहद ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इस वजह से इस फिल्म की शानदार ओपनिंग हुई है। ये फिल्म उन दर्शकों को बहुत पसंद आएगी जो इस कहानी के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन बात की जाए तो इस फिल्म को आप सभी एंजॉय करेंगे अगर आप सभी इसके पहले पार्ट को एंजॉय कर चुके हैं। कहानी को आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे और जोड़ पाएंगे। लोकेशंस बेहद ही शानदार है इस फिल्म में और एक एक डायलॉग काफी ज्यादा जबरदस्त है। और देखा जाए तो खास तौर पर अगर डायरेक्शन की बात करें तो मणिरत्नम का डायरेक्शन काफी ज्यादा शानदार और अच्छा है। फिल्म को इन्होंने पूरी कोशिश की है ग्रैंड बनाने की और इन्होंने इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन देखा जाए तो कहानी बहुत ही जबरदस्त तरीके से दर्शकों को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कहानी सिंपल होने की जरूरत थी। ये फिल्म उन्हें ही ठीक से समझ आएगी जो कि चोल साम्राज्य के बारे में अच्छे से जानते हैं। बात की जाए अगर म्यूजिक की तो AR रहमान की का म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा है और फिल्म की कहानी और पेस के हिसाब से गाने फिट बैठते हैं। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी भी शानदार है और कई लोकेशंस भी ऐसे हैं जिसे आप देखते ही रह जाएंगे। तो ओवरऑल अगर फिल्म की बात करें तो सबसे ज्यादा इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन की एक्टिंग की हो रही है चर्चा और फिल्म में पूरी तरीके से डायरेक्शन को काफी ज्यादा ग्रैंड दिखाने की कोशिश की गई है। ओवरऑल फिल्म में काफी ज्यादा जबरदस्त धमाकेदार गाने भी है और ओवरऑल फैंस इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं। आगे भी फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिलते रहेंगे ऐसी ही उम्मीद है। तो आप बताएं कि अगर आपने भी इस फिल्म को देख ली है तो आपको कैसा लगा ये फिल्म, ये आप अपने रिएक्शंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।